जैक जैक करना अभी मतलब कुछ दिनों से पूरा छोड़ा हुआ था, पूरे तरह से ही छूटा हुआ था, तो मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँ। तो अभी तो मैं डूमापुर टाउन में, अभी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। तो आज के दिन भर में जो भी हो रहा है मैं आपको दिखाऊँगा, और यही है आगे वीडियो में बने रहे और आगे देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। बेडमापुर का चौराहा है, जैसे कि आप वहाँ बोट पे देख सकते हैं, वो जो रास्ता है वो सामने वाला रास्ता, वो नागाजन जाता है, और ये वाला जो रास्ता है, ये सामने वाला रास्ता, ये जाता है कोहिमा, और ये वाला जो रास्ता है किसी में आ रेलवे स्टेशन पे, और मैं जाने वाला हूँ इस वाले रास्ते पे। इस वाले रास्ते पे मैं थोड़ी थोड़ी जाने वाला हूँ, वहाँ मार्केट है, सुपर मार्केट, वो मार्केट मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ मतलब वो मार्केट में ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि नागालैंड है, तो नागालैंड के में नागालैंड मतलब नागा लोग का अलग ही ट्राइब रहता है, उन लोगों का अलग ही खान पान सब अलग रहता है। तो वो मतलब उनकी जो वस्तुएं हैं, जो वो खाते हैं, जो वो रखा मतलब यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स में या पूजे में, तो वो सारे वेजिटेबल्स, तो मैं भी जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आगे वाले मार्केट में। तो मैं अभी सुबह का मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, तो अभी सारे मार्केट्स खुले नहीं होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सारे दुकान अभी थोड़े बंद है, खुले नहीं होंगे। तो मैं सुपर मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, जो भी नागा ट्राइब है उन लोगों के जो खाने पीने की वस्तु है सारी मिलती है, और प्लेन लोगों के लिए भी मिलती है। प्लेन लोग मीन्स यहाँ बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, जैसे कि बिहारी भी रहते हैं, और फिर इसके बाद बंगाली भी रहते हैं, और आसामीस भी रहते हैं। तो उन लोगों के कल्चर के मतलब हम लोगों के कल्चर के जो भी वस्तु है वो भी मिलती है यहाँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूँ तो अभी सुबह के बजे हैं 5, सर ब्राइटनेस कम 5:58 हो रहा है, 6 बजने का टाइम हो गया। मैं तो आया हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो पहले मैं वॉक कर ले रहा हूँ, तो वह मैं आपको सारी चीज़ें आपको अच्छी से और इत्मीनान से बताता हूँ। मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाह रहा था कि मैं इतने दिन से ब्लॉगिंग छोड़ा था, मेरे क्लासेस थे, क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अब प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, आज प्रैक्टिकल है, दो एक और बाकी है, आज एक और दो बाकी हैं, उसके बाद वीडियोज़ मैं डालने की कोशिश करूँगा डेली, और कोशिश किया मतलब पूरा मैं डेली वीडियो डालूंगा ही ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और थोड़ा कॉन्फिडेंट का मेरा कमी है, कॉन्फिडेंस मैं नहीं आ पा रहा मेरे पास अभी थोड़ा, क्योंकि अभी नया नया ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया। तो देखिए मैं आपको सुपरमार्केट दिखा रहा हूँ और वो कैसा दिखता है आप लोगों को देख कर पता ही चल जाएगा। नॉर्मल मार्केट ही है, जैसे कि हम लोग की तरफ मार्केट वगैरह रहते हैं, बट कुछ अब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आपको सुपर मार्केट दिखाते हैं।
यही कुछ वस्तुएं थे जो मैंने आपको दिखाई। ये तो बाहर का नज़ारा, मार्केट का बाहर का ही नज़ारा है। मार्केट के अंदर वगैरह भी बहुत कुछ होता है, मतलब इन लोगों का खाने पीने का कल्चर अलग है। हम लोगों की बात करें, जैसे बिहारी लोगों की बात करें या दूसरे हिंदू लोगों की बात करें, उन लोगों से इनका कल्चर कुछ अलग है। और ये क्रिश्चियन धर्म को ये मानते हैं ज़्यादातर, क्रिश्चियन धर्म को ये ज़्यादा ये करते हैं, प्रेफर देते हैं, मानते भी हैं ज़्यादातर, क्या सभी मानते हैं। और आगे दिन में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा जरूर, वीडियो में आके बने रहे। अगर कुछ मिलेगा तो आपको वीडियो में आके मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ख़ास ऐसे कुछ है नहीं आज पूरा दिन, ख़ास कुछ है नहीं आज पूरा दिन। आज मैं मतलब प्रैक्टिकल्स है मेरे, प्रैक्टिकल्स के बाद कहीं कुछ सोचूंगा कि हाँ कहीं जाना हो तो जा सकता हूँ। बट वही है दिनचर्या मेरा, सिंपल लाइफस्टाइल है, मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ। मैं सुबह वॉक पे आया हूँ तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और अगर आप मतलब आज यहाँ आया हूँ वॉक पे, अगर आप बोलिएगा तो मैं दीमापुर के दूसरे सिटीज़ में अंदर दूसरे सिटीज़ में जाके आपको दिखा सकता हूँ कि क्या है दीमापुर का सीन, कैसे रहता है दीमापुर। अभी तो आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं, वो देख रहे हैं वो पेड़ है, वो घर के अंदर में ही पेड़ को रख दिया गया है। जैसे कि हमारे मतलब इंडिया में ऐसे होता है कि अगर हम, तो आपने देखा वो पेड़ को ही घर में ये करके मतलब घर उसी पर बना दिया गया है, पेड़ को काटा नहीं गया है, उसके लिए जगह छोड़ दिया गया है। जैसे कि अमूमन हम लोग हिंदुस्तान में देखते हैं, इंडिया में, कि अगर घर बनाने को हो तो पेड़ वगैरह काट देते हैं। लेकिन मैं एक नया चीज़ यहाँ देखा हूँ कि पेड़ को काटा नहीं गया, घर उस मतलब घर के बीच में ही पेड़ है। और जैसे कि आप लोग ट्री हाउस फिल्मों में देखते हैं, देखिए मैं आपको ट्री हाउस एक दिखा रहा हूँ। ये एक ट्री हाउस है, देख रहे हैं आप, एक शायद होटल है, उसका ट्री हाउस है या पार्क है, ऐसे ही है कुछ, मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में। यह है टूरिस्ट लॉज गेट, ये मतलब दीमापुर की स्टेशन के पास ही है। सॉरी, ये आपको दीमापुर स्टेशन के पास मिल जाएंगे। अगर आप दीमापुर कभी आ रहे हैं तो इन होटल्स में बुक कर सकते हैं। देखिए टूरिस्ट लॉजिंग यही वही होटल का पार्ट है जो आपको पीछे दिखाया था। और देखिए आप सामने देख रहे हैं यहाँ दीमापुर स्टेशन, ये मतलब एंट्री गेट है दीमापुर स्टेशन का। और फिर उसके बाद ये है NST नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये है NST। यहाँ से आप नागालैंड में किसी भी जगह जाने के लिए आपको यहाँ बस मिलती है। दोस्तों अभी शाम के 5:50 हो गए हैं और मैं भी दिन में, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि मेरे प्रैक्टिकल्स थे, तो प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल्स थे सारे,
क्योंकि मैं अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसके वजह से मेरे सारे एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन हुए और प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन ही हुए। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल में ऐसे प्रैक्टिकल कर नहीं सकते थे, तो वाइवा वगैरह ही हुआ, जो वाइवा हम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में होते हैं और एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, वाइवा हुआ प्रैक्टिकल्स रिलेटेड और उस सब्जेक्ट रिलेटेड। तो वो अच्छे से चला गया। फिर उसके बाद मैंने दिन में खाना वगैरह खाया, मैं दिन में ही घर पे ही था, धूप में कहाँ आ पाता, तो मैं घर पे ही था, इसलिए दिन भर मैं कुछ नहीं कर पाया। अभी शाम का शाम समय हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5:50 हो रहा है अभी शाम का समय, तो मैं थोड़ा टहलने निकला हूँ बाहर। मैं हूँ अभी दिमापुर स्टेशन में, रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह देखिए, यह है दिमापुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये मैं वहीं टहल रहा हूँ। हाँ, तो मैं यहीं टहल रहा हूँ। अभी बत्तियाँ शायद बंद हो गई हैं, कोई शायद लाइट कट गया है रेलवे का, अभी कुछ देर में जलेंगे। आ गए दोस्तों, लाइट भी आ गई, पूरा यहाँ वो रोशनी हो गया। अभी रेलवे स्टेशन, ये दिमापुर का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खुला भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मतलब बहुत सारी ट्रेन नहीं रुक रही हैं, थोड़ी सी ही ट्रेन रुकती हैं। रुकने का ये मतलब कि ट्रेन यहाँ से गुजर जाती हैं, मतलब आसाम है, आगे भी आसाम है, पीछे भी आसाम है, बीच में नागालैंड का दिमापुर स्टेशन पड़ता है। तो सारी ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, थोड़ी सी ट्रेनें जो मेन मेन ट्रेन है, एक दो ट्रेन वही रुक रही है, तो इसकी वजह से ये भी स्टेशन पूरा खाली ही पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद कोविड के रूल के अनुसार आप ट्रेन जब आ रही है उसके पहले आप स्टेशन में नहीं जा सकते, ट्रेन आने के 10 मिनट पहले ही जा सकते हैं आप। तो इसकी वजह से मतलब ज़्यादा व्यक्ति नहीं दिखेंगे आपको इस स्टेशन पे, तो ज़्यादा व्यक्ति आपको नहीं दिखेंगे स्टेशन पे। जो भी हैं वो स्टाफ वगैरह हैं, रेलवे के स्टाफ, रेलवे के कर्मचारी और RPF, उसके बाद ये टैक्सी ड्राइवर वगैरह हैं जो ट्रेन वगैरह आती हैं, तो उनमें पैसेंजर्स आते हैं तो वो टैक्सी यूज़ करते हैं, तो इसी के लिए वो टैक्सीज थे। और बात रही डीमापुर के स्कूलों की, तो मैं तो यहाँ डीमापुर के स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ मेरठ, MIT मेरठ, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मेरठ में। और मैं डीमापुर में नहीं पढ़ता, डीमापुर में मेरे भाई पढ़ते हैं, तो उनका स्कूल अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। यहाँ सारे स्कूल अभी ऑनलाइन, मतलब सारे नहीं, कुछ स्कूल मतलब 8 तक ऑनलाइन चल रहा है, और उसके बाद ऑफलाइन आ रहे हैं बच्चे, 9, 10, 11, 12 के बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं। और बाजार की बोले तो बाजार पूरी तरह से खुल ही गया है दिमापुर स्टेशन से, कोविड का कोई ये नहीं है, बाजार में ये नहीं दिख रहा है कि हाँ कोविड है, और सब मतलब नॉर्मल हो चुका है दिमापुर में। बट यही है कि दिमापुर रेलवे स्टेशन जो है वो भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है, तो यही है, इसकी वजह से यहाँ मतलब उतनी भीड़ भाड़ नहीं रह रही है, और बहुत ये खुला टाइप का माहौल है इधर। हम लोगों का दिमापुर स्टेशन जो है हम लोगों के ये के तरफ घर के बहुत पास है, मतलब 5-10 कदम की दूरी पर है, तो इसके वजह से हम लोग को टहलने के लिए एक ऐसी अच्छी जगह होती है, क्योंकि यहाँ मतलब खुला माहौल है, थोड़ा हवा चलता है, तो इसकी वजह से यहाँ घूमने के लिए बहुत मतलब अच्छा जगह है, हम लोग टहलते हैं शाम। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो मैं आपको देना चाहता था दिमापुर स्टेशन, दिमापुर के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, उतना मैं अच्छा नहीं बना पा रहा अभी वीडियो, क्योंकि मुझे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि वीडियोस कैसे बनाएं, वीडियोस कहाँ से मतलब कैसे शूट करें। मैं करते करते सीखूंगा और आपको दिखाऊंगा ज़रूर, आप देखेंगे ज़रूर। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स डालूँ, डेली मतलब डेली व्लॉग्स डालूँ ही, इसका कोशिश करना है, डेली व्लॉग्स डालूँगा ही, ऐसा मैं पूरा प्रयास मेरा है। और आपको मतलब मैं बिहार भी जाने वाला हूँ घर, अपने घर घूमने, मैं तो अभी नागालैंड में हूँ, तो यहाँ मेरे पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, बट मेरा गांव जो है वो बिहार में है, तो मैं बिहार जाने वाला हूँ, तो आपको मैं बिहार के ज़रूर घुमाऊँगा, मेरे अपने घर भी दिखाऊँगा। और फिर उसके बाद मेरे खेत का लियान है, तो मैं देसी आदमी हूँ, मैं अपने खेत मतलब ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, तो मुझे ये सिटी में रहने से ज़्यादा अच्छा, मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, मतलब रिले, तो इसके वजह से मैं आपको घर ले जाऊँगा, मतलब जाने वाला हूँ कुछ दिन में बिहार, कुछ दिन में क्या, कल परसों में निकलूँगा बिहार। तो आप जो भी होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल ट्रायल ब्लॉग्स को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा मतलब ब्लॉगिंग का चैनल का नाम पहले था आरकेवी के ब्लॉग्स, तो मैंने उसको चेंज किया हूँ, उसको मैं चेंज किया हूँ ट्रायल ब्लॉग्स पे। तो आप सब कमेंट करके बताएं कि ये नाम आपको कैसा लगा। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे और अपने आसपास सफाई ज़रूर बनाए रखे। तब के लिए बाय।